नमस्कार। भारत देश के महान इतिहास में लाखों ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने देश और धर्म की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खेद है कि स्वतंत्र भारत का इतिहास आज भी परतंत्र है और उसमें गौरी और गजनी के आक्रमण के विषय में तो बताया जाता है, मगर उसका प्रतिरोध करने वाले महान वीरों पर मौन धारण कर लिया जाता है। ऐसे ही महान वीरों में से हैं देश धर्म की रक्षार्थ बलिदान हुए वीर गोगा बापा एवं उनका परिवार। हमारा समाज भी विचित्र है, जो गोगा देव के नाम से उन्हें पूजता तो है लेकिन उनके विषय में जानता कुछ नहीं। तो आइए आज उन्हीं गोगा देव की गाथा पर चर्चा करें। अरब देश से उठी मोहम्मद गजनी नामक इस्लामिक आंधी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर सोने की चिड़िया भारत की विस्तृत धन संपदा को लूटने के लिए भारत पर चढ़ाई। ईसा की 10वीं सदी तक गांधार और बलूचिस्तान को हड़पने के बाद सिंध और पंजाब को पद्दलित कर यह आंधी राजपूताने के रेगिस्तान पर घूमने लगी। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी भारत के सीमावर्ती छोटे छोटे राज्यों को लूटकर करोड़ों के हीरे जवाहरात सोना चांदी गजनी ले जा चुका था। अब उसकी कुदृष्टि सोमनाथ मंदिर पर पड़ी। उस समय गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर के ऐश्वर्य और वैभव का डंका भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा था। सोमनाथ की अकूत धन संपदा को लूटने और भव्य देव मंदिर को धराशायी करने के लिए यह विधर्मी आक्रांता पंजाब से होते हुए राजपूताने के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पहुंचा। रेगिस्तान के प्रवेश द्वार पर भटनेर का दुर्ग चौहान वंशीय धर्मवीर गोगा बापा द्वारा बनाया गया था। यहां 90 वर्षीय वृद्ध वीर गोगा बापा अपने 21 पुत्र 64 पौत्र और 125 प्रपौत्र के साथ धर्म की रक्षा के लिए रात दिन सन्नद्ध और कटिबद्ध रहते थे। महमूद गजनवी ने छल बल से गोगा बापा को बस में करने के लिए सिपह सालार मसूद को तिलक हज्जाम के साथ भटनेर भेजा। दूत मसूद और हज्जाम गोगा बापा को प्रणाम कर हीरों से भरा थाल रखकर सिर झुकाकर अर्ज किया, सुल्तान आपकी वीरता और बहादुरी के कायल हैं, इसलिए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपसे मदद मांग रहे हैं। उनकी दोस्ती का यह नजराना कबूल कर आप उन्हें सही सलामत गुजरात के मंदिर तक जाने का रास्ता दें। यह सुनते ही गोगा बापा की बिजली की कड़क तलवार म्यान से निकली और अपने आसन से उठते 90 वर्षीय युद्धवीर बोले, तो तुम्हारा अमीर इन पत्थर के टुकड़ों से मुझे खरीद कर मंदिर तोड़ने के लिए मार्ग मांगता है। जाकर कह दे उस लुटेरे से कि जब तक गोगा बापा की काया में रक्त की एक बूंद भी बाकी है तब तक उसकी फौज तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके साथ ही उन्होंने हीरों से भरे थाल को ठोकर मार कर फेंक दिया। मसूद और तिलक हज्जाम ने जान बचाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी। बात बनती न देख सुल्तान ने समंदर से अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। बवंडर की तरह उमड़ती फौज में 1,00,000 पैदल और 30,000 घुड़सवार थे। हजारों लोग सेवक के रूप में साथ थे। तो रेगिस्तान में पानी की कमी को देखते हुए 30,000 ऊंट ऊंटनियों पर पानी भरकर रखा गया था। इधर 800 वीर राजपूत और 300 अन्य लोग ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे। इसके बावजूद गोगा बापा के अद्भुत साहस और बलिदानी तेवरों को देखते हुए सुल्तान ने उन्हें बहलाने फुसलाने की 2 बार और कोशिश की। दूत भेजे पर गोगा बापा टस से मस नहीं हुए। अंत में हार मानकर सुल्तान ने बिना युद्ध किए ही बगल से खिसकने में ही भलाई समझी। किंतु उसके बाद गोगा देव ने संपूर्ण उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में संपर्क किया और राजाओं को संगठित किया। सभी ने सोमनाथ विध्वंस कर लौटते हुए महमूद को सबक सिखाने की ठानी। गोगा ने युद्ध मैदान में आने का आमंत्रण दिया तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी शासकों ने सहर्ष स्वीकार किया। महमूद सोमनाथ पर आक्रमण कर उस अद्वितीय धरोहर को नष्ट करने में तो सफल रहा, लेकिन उसको इतनी घबराहट थी कि वापसी के समय बहुत तेज गति से चलकर अनुमानित समय वरण योजना से पूर्व गोगा के राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश कर गया। गोगा द्वारा आमंत्रित उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सेनाएं समय पर नहीं पहुंची, लेकिन गोगा ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पुत्र भाई भतीजों एवं स्थायी तथा एकत्रित सेना को लेकर उन्होंने महमूद का अकेले ही मुकाबला करने की ठानी। उस समय महमूद रास्ता भटका हुआ था और स्थानीय लोगों के सहयोग से गजनी पहुंचकर गजनी शहर का मार्ग तय कर रहा था।
गोगा के चतुर सैनिकों ने रास्ता बताने के बहाने महमूद की सेना के निकट पहुंचकर उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। गोगा के पास साहस तो था पर सेना कम थी। केसरिया बाना सजाकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए राजपूत वीर यमन सैन्य पर वज्र की तरह टूट पड़े। एक एक राजपूत 10-10 दुश्मनों को यमलोक भेजकर वीर गति को प्राप्त हुआ। महमूद की सेना के बहुत सैनिक मारे गए। महमूद के सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। गोगा ने भी अपने 45 से अधिक पुत्र भतीजों एवं निकट बंधु बांधवों के अतिरिक्त अन्य सैकड़ों सैनिकों के साथ बालू मिट्टी के एक टीले पर जन्मभूमि और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देते हुए अपनी सांसारिक यात्रा को विराम दिया। जिस स्थान पर उनका शरीर गिरा था उसे गोगा मेड़ी कहते हैं। यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है। इसके पास में ही गोरख टीला है तथा नाथ संप्रदाय का विशाल मंदिर स्थित है। गोगा बापा बंधु माधनवों सहित देश धर्म की बलिबेदी पर बलिदान हो गए। बच गए तो बापा के मात्र एक पुत्र सज्जन और एक पौत्र सामंत, जिन्हें बापा ने सुल्तान के आक्रमण की पूर्व सूचना के लिए गुजरात भेजा था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी राजपूतों ने हार नहीं मानी। सामंत सिंह और सज्जन सिंह रास्ता बताने वाले दूत बनकर गजनी की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने मुसलमानी सेना को ऐसा घुमाया कि राजस्थान की तपती रेत, गर्मी, पानी की कमी और रात को सांपों के कटने से गजनी के हजारों सैनिक और पशु काल के ग्रास बन गए। ये दोनों वीर राजपूत युवक भी मरुभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। मगर तब तक गजनी की आधी सेना यमलोक पहुंच चुकी थी। धर्म रक्षक गोगा बापा का बंधु बांधवों सहित ये बलिदान, या अब चंद्र दिवा करो, जब तक सूरज चांद रहेगा, इतिहास में अमर हो गया। अनेक शताब्दियां बीतने पर भी गोगा बाबा की कीर्ति पताका गगन में उनकी यशोगाथा गा रही है। धन्य है गोगा वीर चौहान, धन्य है धर्मवीर गोगा बाबा का बलिदान। कालांतर में जो चौहान धर्मांतरित हुए वे आज भी उन्हें गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। हिंदुओं के लिए तो वो गोगा देव हैं ही। जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा नवमी के अवसर पर उनके सामने सभी शीश नवाते हैं। काश उनकी दिव्य बलिदानी गाथा भी सब जाने। नमस्कार।